एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे लेट विक्टोरियन टाइम पीरियड के जो राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड उनकी। ऑस्कर वाइल्ड एज एन एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पोएट एंड क्रिटिक एंड ए सेलिब्रिटी इन लेट 19th सेंचुरी लंडन। ऑस्कर फिंगल ओ फ्ले हैटी विल्स वाइल्ड ये आयरिश थे। वॉज बॉर्न इन डब्लिन इन 16 अक्टूबर 1854। हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल सर्जन एंड हिज मदर वॉज अ राइटर एंड लिटरेरी होस्टेस। वाइल्ड वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन एंड मैगडलिन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। वाइल्ड एट ऑक्सफोर्ड वाइल्ड बिकेम इन्वॉल्व इन द एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी आप अगर लिटरेचर का पीस पढ़ते हो या फिर कोई आर्ट जैसे पेंटिंग है उसको देखते हो, तो आर्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, वो सिर्फ आपको एक प्लेजर देना चाहिए। बस उसका पर्पस यही होना चाहिए कि उसको सुनकर या देखकर या पढ़कर आपको प्लेजर मिले। डायडेक्टिक नहीं होना चाहिए। डायडेक्टिक का मतलब ये, मतलब डायडेक्टिक होना जरूरी नहीं है। डायडेक्टिक का मतलब ये होता है कि वो आपको पढ़ने, देखने या सुनने में प्लेजर के साथ साथ आपको कोई मॉरल लेसन टीच करे। तो एस्थेटिक मोमेंट का मतलब ये होता था कि आर्ट सिर्फ देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उसका पर्पस मॉरल टीचिंग नहीं है। After he graduated, he moved to London to pursue a literary career. His output was diverse. A first volume of his poetry was published in 1881, but as well as composing verse, he contributed to publications such as the Pall Mall Gazette. Wrote fairy stories and published a novel, The Dorian, The Picture of Dorian Gray. ये इनका एक ही novel था, only एक ही novel इन्होंने लिखा था, The Picture of Dorian Gray, जो 1891 में आया था। His greatest talent was for writing plays and he produced a string of extremely popular comedies. मतलब एक ही नॉवल लिखा लेकिन इनकी जो बाद में कॉमेडीज आई थी वो काफी फेमस थी। तो इनकी कॉमेडीज में से लेडी विंडरमेयर्स फैन जो 1892 में आई थी, एन आइडियल हस्बैंड जो 1895 में आई थी, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट जो 1895 में आया था, ये इनका मास्टरपीस माना जाता है। इसके लिए ही ये फेमस है। सलोम जब वॉज परफॉर्म्ड इन पेरिस इन 1896, और सलोम आया था 1891 में। तो सलोम में क्या था कि ये इन्होंने फ्रेंच में लिखा था पेरिस में 1891 में, बट इट वॉज रिफ्यूज्ड अ लाइसेंस इन इंग्लैंड ड्यू टू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ बिब्लिकल सब्जेक्ट ऑन द इंग्लिश स्टेज। तो इनको इंग्लैंड में लाइसेंस नहीं मिला था परफॉर्मेंस के लिए। ड्रामा एंड ट्रेजेडी। Married wild private life. He married Constance Lloyd in 1884 and they had two sons. But in 1891 Wild began an affair with Lord Alfred Douglas. 1891 में ये Lord Alfred Douglas से मिले थे जिनके साथ इनका अफेयर माना जाता है। मतलब ये होमोसेक्सुअल थे और उनका निकनेम था बोसी। जब इनके फादर को, जो एल्फ्रेड, लॉर्ड एल्फ्रेड डोगलस थे, उनके फादर को पता चला तो उन्होंने केस कर दिया। उस टाइम क्या था कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम माना जाता था, उसकी परमिशन नहीं थी। तो इनको 2 साल की जेल हुई, इनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई और जेल में इनको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा था। वाइल इन प्रिजन ही कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू डोगलस, पोस्टह्यूमसली पब्लिश अंडर द टाइटल डी प्रोफंडिस। हिज वाइफ टुक देयर चिल्ड्रन टू स्विट्जरलैंड एंड अडॉप्टेड द नेम हॉलैंड। तो इनकी वाइफ इनके बच्चों को ले गई और वाइल्ड से उनको एक नया नाम दिया, हॉलैंड। वाइल्ड वॉज रिलीज्ड विद हिज हेल्थ इररिवोकेबली डैमेज्ड एंड रेपुटेशन ruined। तो इनकी रेपुटेशन खराब हो गई और पैसे भी चले गए थे। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी काफी खराब हो गई थी, हेल्थ भी खराब हो गई, रेपुटेशन भी चली गई। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन यूरोप पब्लिशिंग द बैलेड ऑफ रीडिंग गॉल इन 1898। ही डाइड इन पेरिस ऑन 13 नवंबर 1900। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी थॉमस ग्रिफिथ वेनराइट की, तो उसका नाम था पेन पेंसिल एंड पॉइजन। उस बायोग्राफी का नाम था पेन पेंसिल एंड पॉइजन और वो थी थॉमस ग्रिफिथ्स वेनराइट की। तो ऑस्कर वाइल्ड के बारे में इतना ही काफी है। इनके जो वर्क है इनको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ईयर पता होना चाहिए और टाइटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।